Hello students, as we have promised, now it is time to deliver our official solved sample paper series in which we are going to solve each and every sample paper for you. हमने जैसा प्रॉमिस किया था आपसे सारे के सारे सैंपल पेपर सॉल्व करने का, तो आज हम उसका पहला लेक्चर या पहला वीडियो लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर हम साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे. इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, उसको आप पहले फॉलो करिए एंड देन अगर आप इसको देखोगे तो अलग ही मजा आने वाला है. ठीक है, सबसे पहली चीज है आपके पास एक नोट्स होनी चाहिए, एक पेन होनी चाहिए. ठीक है, तब अलग ही मजा आएगा. लिख दे हो जो बोलता रहूं उसको, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, उसके आगे पीछे क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, ये 1 आवर का वीडियो है लेकिन इस वीडियो के एक एक मिनट के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई. ये 2 आवर की वीडियो थी, इसको मैंने किसी तरीके से कंप्रेस किया है एंड कंप्रेस करके किसी तरीके से बेस्ट 1 घंटे की वीडियो निकाली है जिसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे. इसको अच्छे से देखो, जितने भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, 5-6 ऐसे क्वेश्चंस हैं, उनका आप मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर. अगर आपको साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, वैसे तो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है साउंड का जितना भी प्रॉब्लम था, बिकॉज ये वीडियो रात को शूट हुई है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1-2 बजे रात के. ये वीडियो को आप या पार्ट्स में देखो या किसी भी तरीके देखो, इट्स अप टू यू. इसको पूरी तरीके से तब देखना, देखो सिलेबस कवर है, इफ योर सिलेबस इज कवर्ड तब इसे देखने में अलग मजा आएगा. बट अगर नहीं कवर्ड है तो कोई बात नहीं, मैंने जो जो क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं वो क्लियर बताए हैं. ठीक है, आपको समझाया भी है कि क्या इसके पीछे बेसिक आंसर है. अच्छा, जो ऑप्शंस नहीं भी है, जैसे मान लो 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शन में 1 आंसर है, उस 1 आंसर में जो 3 आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है, ये भी तक मैंने एक्सप्लेन करके रखा है इस वीडियो के अंदर. अच्छे से देखिए एंड कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा. अब मुझे कल ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अब उससे मैं टाइम निकाल के काम किया है तो डेफिनेटली मैंने बहुत हार्ड वर्क लगा है. आप देखिए और आपको जैसा लगे उसके आगे आप कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर तब तक के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. ठीक, सो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर को सॉल्व करना. मैंने अभी सैंपल पेपर को ऑब्जर्व किया और कुछ चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया. वो ये है कि भले ही पैटर्न बदल गया हो, भले ही एमसीक्यूज आ गए हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, बट जो क्वेश्चंस थे, जो तरीके थे, ठीक है, जिस तरीके से हम आंसर देते थे वो भले बदल गया हो, आंसर देने का तरीका बदल गया है, डेफिनेटली बदल गया है, क्योंकि अब हम ओएमआर शीट्स में मार्क करेंगे. आज मैं जो सॉल्व कराऊंगा बेसिकली मैं टिक मारूंगा. ठीक है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है. लंबी वीडियो होगी, थोड़ा अच्छे से देखना. और बहुत मैंने सुना है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसको काफी स्पीड फास्ट करके देखते हैं. स्पीड फास्ट करके देखोगे तो मैं वैसे ही बहुत तेज बोलता हूँ. ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं सुनाई देगा. मैं भी चेक कर चुका हूँ अपनी बोलने की स्पीड को एंड मैंने देखा कि बहुत हाई स्पीड है, तो ऐसा करके मत देखना, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है. पार्ट में भी देखोगे तो समझ में आएगा तुम्हें. ठीक है, सेव लेटर जैसे कि होता नहीं है बाद में देखने के लिए ऑप्शन वीडियो को, वो आप कर सकते हो. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तब तक ये वीडियो देखने में इतना मजा नहीं आएगा. मजा तब आएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊंगा, पहले दूसरे तीसरे सारे क्वेश्चंस के अंदर दिखाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर होना. ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है किसी चीज को समझना. एंड मैंने एक रफ रख लिया है अपने पास जिसके अंदर मैं कोई भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करूंगा. डेफिनेटली आप भी यही करने वाले हैं. ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर या आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो एक रफ निकालिए, क्वेश्चन पहले पॉज करिएगा वीडियो, फिर ट्राई करिए एंड देन डेफिनेटली आप इसका सोल्यूशन देखिए जो कि मैं बताने वाला हूं आपको. सैंपल पेपर अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं कराया है, जिसने कराया है कराया होगा. हम थोड़ा डिफरेंट पैटर्न के साथ, थोड़े डिफरेंट चीजों के साथ उतरे हैं मैदान के अंदर. आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड अभी मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. सारे स्टूडेंट्स को जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब उसको डिलीवर करने का समय आ गया है. चलिए अब सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे एंड देन फिर हम सेक्शंस पर जाएंगे, सेक्शन ए बी सी डी जो भी होंगे सेक्शंस. ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. सो बहुत मजा आने वाला है. ठीक है, लेट्स बिगिन विद दैट. तो सैंपल पेपर आ चुका है, टर्म फर्स्ट का है ये, 21-22. जैसा कि आपको पता है 2 एग्जाम होने वाले हैं, टर्म फर्स्ट ये है. ठीक है, क्लास 10 का साइंस. ठीक है, बात करते हैं, 90 मिनट्स मिलेंगे और 60 क्वेश्चंस हैं. आपको ये पता होगा 60 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, मतलब कि आपको 1.5 मिनट्स मिलेंगे एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के. 1 मिनट 30 सेकंड्स इनफ है. ठीक है, फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द सेक्शन ए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस अबाउट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So let's begin with the general instruction first. The question paper contains 3 sections. ठीक है, इस question paper में 3 sections हैं. अब वो 3 sections इस तरीके हैं. Section A है इसमें, जिसमें 24 questions हैं. ठीक है, 24 questions, जिसमें से हमें केवल 20 questions attempt करने हैं. ठीक है, only 20 questions.
बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फिर उसके बाद सेक्शन बी में भी है। सेक्शन बी में हमारे पास ओवरऑल 24 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड सेक्शन सी में हमारे पास 12 क्वेश्चन है। देखो मैंने सेक्शन क्वेश्चंस को काउंट करके 60 क्वेश्चन बोले थे, हमें अटेम्प्ट केवल 50 क्वेश्चन करने हैं। मतलब हमें क्लियरली पता चल गया कि 60 में से केवल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 10 क्वेश्चन कोई भी निकाल सकते हो। तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट को पॉइंट आउट करो और उनको निकाल दो, सबसे पहला काम। ये अगर कर लिया तो मजा आ जाएगा भाई, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर में पहले ही मार्क करके रख लेना है कि भाई ये आंसर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए होते हैं क्वेश्चन पेपर, आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, वो सब बात की बातें हैं। पहले आप ये करोगे फिर OMR में मार्क करना। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, मैंने बताया था अपनी एक बहुत बड़ी मिस्टेक बताई थी अपनी लाइफ की। मैं एक एग्जाम देने गया था, उस एग्जाम में मैंने OMR ही गलत मार्क करके आ गया मैं। अब वो किस तरीके मार्क किया है वो वीडियो देख के जानना, ठीक है। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना चाहता हूँ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन बी है 24 क्वेश्चंस, उसमें भी है हमें केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी है जिसके अंदर 12 क्वेश्चन है, हमें केवल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऑलराइट, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सबके बराबर नंबर है, ठीक, सबके बराबर नंबर। ऑलराइट, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मान लो तुम गलत मार्क करके आओगे तो तुम्हें जीरो मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस वुड बी इवैल्यूएटेड। मान लो कोई बहुत चतुर इंसान है, उसने क्या किया, उसने 2400 के 24 अटेम्प्ट कर दिए और कहा कि सर अब आप अपने हिसाब से देख लेना, जिसमें जो सही होगा उसे मार्क करना, जो नहीं होगा नहीं। इसीलिए उन्होंने अच्छे से क्लियरली इसको अंडरलाइन करके लिख दिया है कि केवल 20 क्वेश्चन जो पहले के होंगे वही अटेम्प्ट वही माने जाएंगे, बाकी नहीं मानूंगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रीमा टुक 5 ml of lead nitrate solutions in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? ऑब्जर्वेशन पूछी गई है, एक्सपेरिमेंटल है। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है। देखो मैं ऐसे भड़ाभड़ बताता जाऊंगा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, नोट वोट करते रहो या तो आराम से देखो, धीमे धीमे समझो, ठीक है। यू हैव अ टाइम, कोई जल्दी नहीं है, मुझे इस बात की जल्दी है क्योंकि मुझे ये जल्दी से जल्दी डिलीवर करना है। आई हैव टू गिव इट टू यू बिकॉज आई हैव प्रॉमिस बिफोर ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks ago. और 1 week है वो, आई डोंट रिमेम्बर, प्रॉमिस करके रखा है तो मुझे जल्दी ऑफ कोर्स डिलीवर करना है, बट आपके पास टाइम है, चिल करके अच्छे से रिटर्न कहीं पे लिखो इसे, मैं ऐसे बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिरफ का कोई जरूरत है नहीं मुझे, मैं अभी केवल बात करता हूँ, ठीक है, आपसे केवल बात कर रहा हूँ अभी मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वेट। तो रीमा ने क्या किया, लेड नाइट्रेट लिया। अच्छा, लेड नाइट्रेट के केस में अगर आपने प्रीवियस की कुछ बुक्स होती हैं, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर की बुक्स होती हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं, ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है वाइट प्रेसिपिटेट का। तो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं बैरियम के साथ, एंड ये रिएक्शन बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही पाए जाते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बेसिकली इंटरचेंज होता है, ठीक है, आयंस का या एटम्स का कह सकते हो, इंटरचेंज, आयंस आप ना बोलो, क्योंकि वो एक चार्ज्ड स्पीशी होती है। आयन इज अ चार्ज्ड स्पीशी, मैं बोलूंगा एच प्लस आयन है, मैं बोलूंगा एच ये एटम है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं, हम इन्हें बाद में इवैल्यूएट करेंगे कभी किसी डिफरेंट पेपर के अंदर। तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा आपको कि एक नोट्स और एक पेन अपने पास रखना, जो बात बोलूंगा उसे नोट करते रहना। सो वाइट प्रेसिपिटेट इस केस के अंदर तो नहीं बनने वाला, पहली बात तो ये देखो, यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था इतने दिन से कि ऑड वन आउट, जो भी ऑड है उसे आउट कर दो, जैसे वाइट प्रेसिपिटेट। आपने पढ़ा बुक के अंदर कि कुछ बैरियम से रिलेटेड था वाइट प्रेसिपिटेट, जी हाँ, बैरियम के रिएक्शंस के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, उन रिएक्शंस के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा डेफिनेटली, बट इसके अंदर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वो उस रिएक्शन की बात थी, यहां पे नहीं होने वाला रिएक्शन में चेंज। देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, तो इसे आप डेफिनेटली ऑफकोर्स आपको ये पता है कि ये क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट है, मतलब PbNO3 है और साथ ही साथ पोटेशियम आयोडाइड KI, हाँ डेफिनेटली KI होता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये एक क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ एटम होगा, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर दोनों के ऑप्शन गलत, ऊपर दोनों ऑप्शन पहले गलत, फर्स्ट ये देखो ए और डी तो पहले ही गलत हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि बनना तो है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनेगा तो ये तो फिक्स्ड है, प्रेसिपिटेट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बिकॉज इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इट। प्रेसिपिटेट बेसिकली एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, अगर नहीं पता तो इसीलिए बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो ये देखो मैंने तुम्हें पहले बता दिया पहला गलत, क्योंकि सोल्यूशन टर्न रेड। तो इसी तरीके आपने तीन ऑप्शन अब हटा दिए हैं, तीन ऑप्शन को ऑड मान लिया, हटा दिया, अब हम कौन सा मार्क करेंगे, बी, और यही इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है, येलो प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। रेड देखो इसी तरीके तुम्हें करना है, जब तुम्हें नहीं आ रहा या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, अब तुमने ये रिएक्शन के नहीं पढ़े होंगे प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑड को हटाना है भाई, ऑड को हटाओगे खुद ब खुद ऑप्शन उभर के आ जाएगा सामने, तो इसका बी करेक्ट आंसर था। बात करते हैं इसकी, ये तो बहुत आसान है, आइडेंटिफाई गैस ए विच इज इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। देखो कैंडल ऑफ हो रही है, कैंडल ऑफ होने वाला कौन सा ऐसा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल होता है,
और बेसिकली फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है ये, एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर पढ़ोगे आप। और हाइड्रोजन के कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी हो डेफिनेटली ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, एच टू एग्जिस्ट करता है, एच एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी चीज, पॉप साउंड के साथ कैंडल ऑफ हो जाती है, ठीक है, जैसे इसके बबल्स निकलेंगे इसकी एयर निकलेगी पॉप साउंड के साथ कैंडल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो ये हाइड्रोजन गैस है भाई, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता सकता कि भाई नाइट्रोजन हटा दो, ये हटा दो, क्योंकि मैं भी कॉन्सेप्ट पढ़ के आया हूँ, आप भी कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठे हो, तो कॉन्सेप्ट का तो यूज करेंगे ही। हाइड्रोजन का करेक्ट आंसर है, बेसिकली पॉप साउंड से जब भी कैंडल ऑफ हो बात खत्म, बात तुरंत खत्म, हाइड्रोजन आंसर। आइए आगे, मेटल डायल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल सॉल्ट प्लस गैस। सो इसके अंदर क्या हो सकता है, गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, गैस तो इवॉल्व होने वाली है भाई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो ये तो काट दो, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ लिखा है गैस इवॉल्व पे नो, तो मैग्नीशियम का आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा, गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, मैं लिखे दे रहा हूं, इसे लिखा नहीं जाता यार, ये वाले बड़े प्रॉब्लम है इससे, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, H2 लिखा है मैंने। और मेटल सॉल्ट जो भी तुम लोगे, मान लो तुमने जिंक ले लिया ZnCl, मान लो तुमने एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, AlCl3 होता है वो, डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेटल लिया है, ठीक है, Fe पे भी होता है, सब पे होता है, तो ये मैग्नीशियम वाला हट गया, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब जहां पे थर्ड उसे हटा दो, थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, इन दोनों को काट दो। मैं यही समझाने की इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ऑड वन आउट किया जाता है, इस तरीके से हटाया जाता है गलत आंसर्स को, किस तरह हटा दिया मैंने, एकदम छाट दिया, अलग कर दिया, भागो इधर से, अब दो ऑप्शंस का गेम है, ठीक है। जिंक की बात करें तो जिंक में सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट बनते हैं जिंक में, और साथ ही साथ गैस भी इवॉल्व होगी, तो ये तो बनने वाला है आंसर। अब दूसरा देखो, कॉपर, कॉपर इज नॉट दैट मच रिएक्टिव, कॉपर देखो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद है, सॉरी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की बात करोगे, रिएक्टिविटी सीरीज याद है, याद होगी, नहीं याद है तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, कॉपर नीचे आया हाइड्रोजन के, इसका मतलब ये वाला रिएक्शन तो होने वाला नहीं है, तो फर्स्ट काट दो, किस किसके अंदर फर्स्ट है, इसके अंदर फर्स्ट है, बस ये काट दो, बस डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो मैं तुम्हें ये सब तरीके, सारे डायमेंशन, सारे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी काम करेगा, यहाँ पे ऑड वन आउट भी काम करेगा, सब कुछ काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा पेपर करने में। मैं कह रहा था, पहले ही बोल रहा था, पेपर चाहे जैसा हो पैटर्न बदलते रहेंगे, ठीक है, जैसे ही हमारा नजरिया बदल रहा है, जैसे ही जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे आ रहे हैं, जैसे तुम कैसे पढ़ते थे पहले, पहले ऑफलाइन मोड पे पढ़ते थे, पहले स्कूल में टीचर के सामने क्वेश्चन उससे पूछते थे, अभी तुम जनरली ऑफलाइन, अब तो खुल गया है सब कुछ, ऑनलाइन पढ़ते थे, तो कैसे पैटर्न बदला, ठीक है, इवोल्यूशन हो रहा है, हर चीज में इवॉल्यू होगा, तो क्वेश्चन पेपर भी इवॉल्व हो गया है, उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही है, एनसीईआरटी वही है, बात खत्म, उसमें भी उतने ही 16 चैप्टर हैं, अभी भी बायोलॉजी के अंदर इतने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर है, फिजिक्स के अंदर भी 5 चैप्टर है, उससे कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इससे आसान क्वेश्चन मैंने नहीं देखा भाई, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, चलो इसको बैलेंस करके देख लेते हैं फटाफट। बैलेंसिंग की ट्रिक तो भाई बता के रखी है, वीडियो ये रही, बैलेंसिंग की ट्रिक तो तुम्हें पता होनी चाहिए, 2 मिनट के अंदर मेरे को केमिकल इक्वेशन लिख के 2 मिनट के अंदर तुम्हें आंसर मार्क करके दे रहा हूँ। H2O किसके साथ रिएक्ट हुआ है, अरे भाई ये तो बहुत आसान है, Fe3O4 प्लस 4H2, H2 मैं केवल अभी देख नहीं रहा हूँ कोफिशिएंट कौन है, मैं डायरेक्ट बस बैलेंस कर जाऊँ, Fe3 है, Fe3 पुट करना पड़ेगा, H2 में तो मैं पहले बैलेंसिंग की बता चुका हूँ, कोई दिक्कत Fe3 किसके अंदर है, इस इन तीन के अंदर है, तो Fe पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे फेरस जो है, फेरस के अंदर तीन रहेंगे, कोफिशिएंट तीन रहेगा फेरस में स्टार्टिंग के, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ऑड वन आउट, देखा तरीका। अब इस तीन में से हमें खेलना है, अब इन तीन में से यहाँ पर चार हाइड्रोजन रहेगा, इसमें नहीं है, ये वाला हटा दो, अब ये दो ऑप्शन बचे, अब इन दो ऑप्शन में चार हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन पे चार नहीं लगा, इसका मतलब ये भी गलत, बस ये हो गया, ये तरीका यार, हो गया, दैट इजी। कितना टाइम लगा मुझे करने में, जब तुम रहोगे तो भाई तुम्हें फास्ट करना है, फटाफट कर दोगे। अब एक ग्राफ ऑब्जर्व करना है, आइए इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं फटाफट, ये पहले केमिस्ट्री का सेशन है क्या, पूरा वही, हाँ पूरा वही, पहले केमिस्ट्री है फिर बायोलॉजी होगा, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, मिक्स्ड होता था पहले, शायद मिक्स्ड होता ही है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब एसिड बेस साथ आते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, वाटर और सॉल्ट बनता है, जैसा कि लिखा भी हुआ है, एसिड प्लस एल्कली गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, वेरी वेरी इजी, पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन चेंजेस इन एक्सिस एसिड टू एन एल्कली, पीएच चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सिस एल्कली था, उससे धीरे 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 न्यूट्रलाइज होता है, तो एक बेसिक की तरफ, मतलब एक न्यूट्रल की तरफ जाएगा, साथ की तरफ जाएगा, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ग्राफ में, समझाते हैं आपको, ठीक है, 14 से C,
ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है, विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। भाई डी इसका करेक्ट आंसर है, डी क्यों करेक्ट आंसर है साफ साफ देख लो। तो मैं क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तुमसे कि एसिड और एल्कली दोनों, मतलब कि बेसिकली एसिड टू एन एल्कली, ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है डेफिनेटली आप देख रहे हो, ठीक है, किस तरीके बेसिक नेचर से एसिडिक की ओर जा रहा है, बाद में एकदम एसिडिक होता जा रहा है। डी देखो एसिडिक भी है और सॉल्ट भी है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली एक सॉल्ट फॉर्म हुआ है ना, इसलिए दोनों रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्म होगा। तो मैं समझ में नहीं आ रहा, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो एसिड और बेस साथ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, वाटर और क्या बना, क्या बना, वाटर और सॉल्ट बना, ठीक है, तो सॉल्ट तो बना ही रहेगा। अब सॉल्ट के साथ पूछा जा रहा है एसिडिक नेचर हो, तो वो डी का है, क्योंकि सी देख रहे हो सात के ऊपर है, सी जो सात के ऊपर है वो बेस हुआ, सी बेस है, ब्लड वर्ड का होगा ये, 7.4 या 7.8 के अप्रोक्स रहता है सब, ठीक है, ब्लड हो गया, वाटर हो गया, प्योर वाटर 7.4 रहता है शायद, ठीक है, ये सब चेक कर लेना, ये सब पढ़ बुक को यार बढ़िया खोद खोद के पढ़ो, मजा आएगा। करेंटली रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे वो करने में, चिल्ला चिल्ला के बोलने में, जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ, ठीक है। सो मैंने प्रॉमिस करके रखा था आप लोगों से कि मुझे वीडियो डेफिनेटली अपलोड करनी है, ठीक है, शॉर्ट पे भी काफी व्यूज हो गए थे, काफी लोग देख चुके थे उसे, तो मैं डेफिनेटली उसे इग्नोर नहीं कर सकता था, और मुझे जल्दी से जल्दी बनाता था। एंड परसों मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है, पूरे मतलब समझ लो 2 हफ्ते से मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास टाइम नहीं था, सो मुझे कहीं ना कहीं से तो टाइम निकालना था, तो मैं आ गया रात के 12 बजे भूत बन के, ठीक है, तो भूत नहीं हूँ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन हुआ है, आपको पता है आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर के साथ, अब बात ध्यान से सुनो, विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों समझाया जाता है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो, जिस भी रिएक्शन के अंदर, पढ़ा के रखा है सब यार, 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो है इसके ऊपर, अब किन किन वीडियो के आइकन्स लगाऊं यहाँ पर देख लेना, जिन जिनको देखना होगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके देख लेना भाई, 12 बजे बना रहा हूँ वीडियो, इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता मैं, सब्सक्राइब कर देना मन करे तो, ठीक है, मन क्या करेगा, करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, चलो आओ, ठीक है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, देखो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है पहले केस में, ध्यान से देखो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज कौन होने वाला है, आयरन होने वाला है, तो मैं आयरन पहले बात तो देख रहा हूँ, ठीक है, आयरन आयरन इन दोनों केस में, सॉरी इसमें नहीं है, इन और इन केस में आयरन है, ठीक है, ये तो मैंने देख लिया, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, देखो मान लो तुम्हारे पास ऑक्सीजन था, मैंने कहा कि भाई मुझे तुम्हारा ऑक्सीजन चाहिए, मुझे तुम्हारा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन एक चीज उल्टी होती है हमेशा इस गेम के अंदर, जैसे मान लो तुमने मुझे अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो मैं तो ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, बट मैं तुम्हारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करूंगा, तुम्हारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करूंगा, एजेंट कौन होता है, जो किसी काम को करे, डेफिनेटली बीच में लिंक बनाए, अब मैंने तुम्हारा ऑक्सीजन अगर ले लिया तो डेफिनेटली मैंने तुम्हें रिड्यूस कर दिया, मैंने तुम्हें रिड्यूस कर दिया, तब मैं ऑक्सीडाइज हुआ हूं, तो दोनों केस में आयरन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये यार कई सामान बना दिया मैंने, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ध्यान से देखो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी नहीं करेक्ट है, ऑप्शन सी नहीं करेक्ट है, ऑप्शन डी भी नहीं करेक्ट है, ये थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है, मान लो यहाँ पे तुमसे पूछ लेता कि रिड्यूस, यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, तो डिफरेंट आंसर होता, ठीक है, तब कॉपर को आना पड़ता, बट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है, मतलब वो कौन है जो रिड्यूस करा है, आयरन ही रिड्यूस करा है। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होने वाला है CU, ठीक है, और ऑक्सीजन का रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सीधी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछो क्यों, क्योंकि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक साथ आते हैं, जो प्रोडक्ट एक बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं मैच करेगा, डिस्प्लेस थोड़ी ना हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो ही नहीं रहे, डीकम्पोज कैसे हो सकते हैं, डीकम्पोज तब होते जब ये कॉपर ऑक्साइड होते हैं और कॉपर और ऑक्सीजन बनते, डबल डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो ही एटम है, कॉपर के ऑक्सीजन के बाद खत्म, इस तरीके करना है, और तुम लोग इतना टेंस्ड हो कि भाई MCQ दो पेपर क्या पेपर है, कार्बोनेट की बात हो रही है, कार्बोनेट बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CO3 होता है कार्बोनेट, मुझे तो ये आंसर लग रहा है बी वाला, जो तुम्हें दिखे, जो तुम्हें मैच कर सकता है, देखो इसमें ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है, देखो ये कौन है, H2CO3 है, याद रखना ये वीक एसिड होता है, ये मिनरल है बट ये वीक एसिड है, अभी मेरे पास ध्यान से सुनो, H2CO3 जो है इसका CO3 निकाल के मैं कैल्शियम के साथ जोड़ूंगा और इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे, एक्स्ट्रा बचता है H2 और बचता है 2H2, मैं क्या करूंगा, मैं 4H2O कर दूंगा, कैसे कर दूंगा, मैं तुम्हें रिएक्शन करके दिखाता हूँ, एक सिंगल पेज पे दिखाऊंगा रिएक्शन करके, ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, हमारे पास H2CO3 है, वीक मिनरल एसिड, क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने H2
और ये देखो H2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2H, मोल ऑफ H2O, ठीक है, बेसिकली बन गया, और ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये होता है रिएक्शन, मैंने रिएक्शन बैलेंस भी कर दी और आपको करेक्टली बता भी दिया। सीधी बात है यार, इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, कार्बोनेट इससे किससे बन सकता है, CO3 होता है कार्बोनेट, इससे बन सकता है, बाकी PO4 से क्या बनाओगे, नहीं बन पाएगा, SO4 से क्या बनाओगे, नहीं बन पाएगा, सल्फेट बन जाएगा, नहीं, कुछ दिमाग ना लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग बाद में लगाना, पहले मार्क्स स्कोर कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वही है, ठीक है, मार्क्स ही सब देखते हैं, मार्क्स ही सब देखते हैं, मुझसे भी बहुत लोग पूछे कि आपके क्या मार्क्स है, ये वो, मार्क्स सब देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स हमें इंपॉर्टेंट स्कोर करना, ठीक है। तो देखो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बता दिया था कि जब तक दोनों में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, तो दोनों में अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। तो H2CO3 की बात हो गई तो कार्बोनेट बना, आगे बढ़ते हैं, बहुत धीमे धीमे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ डेफिनेटली, और मुझे थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, आपकी वीडियो जल्दी कवर करानी चाहिए, बट अच्छे से देखो समझो, जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक मेरे लाख चिल्लाने का, लाख बताने का, रात को 12 बजे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग कंसेंट्रेटेड एसिड, देखो इसके लिए बुक में एक प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, बुक में बताया गया है कि किस तरीके आपको ये करना है, ये ओवरऑल प्रोसेस। बेसिकली क्या करते हैं लोग, एसिड को वाटर में डाल देते हैं डायरेक्टली, ये हो सकता है डेंजरस, ये हो सकता है डेंजरस। हम क्या करते हैं, हम एसिड के अंदर पानी मिलाते मिलाते स्टर करते रहते हैं, ये केमिकल लेबोरेटरीज, मैं प्राइवेट स्कूल वालों को लेबोरेटरी नहीं ले जाते, साल में एक बार लेकर जाते हैं, खास करके 9th-10th वालों को, बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है, तो हम अपने ही बता रहे हैं कहानी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, मैं H2SO4 ले लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड है, मैं इसके अंदर पानी मिलाऊंगा और स्टर करता रहूंगा। इससे क्या होगा, इससे जो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है भाई, इससे हीट रिलीज होगी। अब इस हीट को रिलीज करने से पहले अब ये क्या हो सकता है, अगर मैं इसको स्टर ना करूं, डायरेक्ट ऐसे पटाखे डाल दूं, मेरे ऊपर एसिड गिर सकता है, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन के लिए होता है, प्रिकॉशन के लिए बेसिकली आप वाटर डालेंगे और स्टर करते रहेंगे ताकि वो मिक्स होता रहे, डाइल्यूशन होता रहे, ठीक है। तो भाई बाय एडिंग एसिड टू वाटर, भाई गए उसी वक्त, एसिड डाल रहे हो पानी में, खत्म, बहुत बुरा वो होगा, स्प्लैश होगा आउट, ठीक है। एडिंग वाटर इन एसिड, कॉन्स्टेंट स्टरिंग, बी इसका करेक्ट आंसर है। वाटर को ऐड करो एसिड के अंदर, ना कि एसिड को ऐड करो वाटर के अंदर, ठीक है, समझ में आया। बाय एडिंग वाटर इन एसिड फॉलोड बाय बेस, ये कैसे हो सकता है ना, करेक्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बेस कैसे आ गया यहाँ पर, बाय एडिंग बेस टू एसिड, अरे यार बकवास ऑप्शंस हैं। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन टू, अरे भाई ये तो पढ़ा के रखा है मैंने, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तो टू वेरीफाई लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल नहीं, टू लॉ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल, ये दूसरा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एंटोनियो लेवोइजर ने दिया था, आपको मैंने पहले ही बता के रखा है, ठीक है। केमिस्ट थे, कहाँ के थे, यूरोप साइड के थे, ठीक है, वहां पे यूरोप वाले बहुत बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है। टू वेरीफाई द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कहाँ पे आ गया भैया, मोमेंटम तो तुम लोग पढ़े ही नहीं इस साल वो आपके कोर्स का नहीं, 11th में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 11th क्वेश्चन, अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, नोट करते रहो भाई, नोट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो छोड़ जाएगा, ठीक है, एक घंटे बाद ये वीडियो आपके दिमाग से गायब हो जाएगी अगर देखोगे तो। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 11th क्वेश्चन, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल ABCD, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मतलब बकवास है, कुल मिला के यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके अंदर मार्किंग्स करनी है, ठीक है, पहला, सेकेंड, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है, इन ऑप्शंस के थ्रू हमें देखना है, ठीक है, केयरफुली स्टडी करना है इस डायग्राम को, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर हमने लेबल करके रखा है ABCD, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क करके रखा है इन्होंने, ठीक है। बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस की, ठीक है, फंक्शंस की बात हो रही है। ट्रैकी सपोर्ट्स द बोनी रिंग एल्वोलाई और थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, थर्ड इज द आंसर। पूछो क्यों, इसके पीछे एक रीजन मैं तुम्हें देता हूँ, रुको, देखो बात ये हो रही है, देखो एक बात बताऊं, एक बार बताऊं बहुत आसानी से, ये मैंने अपना दिमाग लगाया अभी यहाँ पर कैसे, देखो जो तुम्हारे बुक में सबसे भयंकर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, अब ये हर बार काम नहीं करता, ठीक है, ये जस्ट मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको, जस्ट समझा रहा हूँ, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, जो जब तक आपके बुक में अच्छे से, देखो मान लो आपके ट्रैकी, रिप्स, डायफ्राम कोई आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है बुक में, मैं बुक आपको खोल के दिखा दूं, मेरे पास है नहीं इस वक्त यहाँ पर, वहां पर है, ठीक है, बुक्स में आपको कोई भी चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई है, बट एल्वोलाई आपको एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है, गैशियस एक्सचेंज, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर,
एंड बेसिकली यही इसका आंसर भी है, ठीक है, जो बेसिकली उसके मेन फंक्शन या उसके कैरेक्टरिस्टिक को बता दे, वही चीज तो बता रहा है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी ट्रैकी, रिब्स और डायफ्राम नहीं, जो आपको ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए वही आंसर होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर तो काफी लोगों ने ऐसा कहा कि मोस्टली बी करेक्ट आंसर होता है, सही होते हैं बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस फैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये उससे भी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल टॉपिक। 12th क्वेश्चन देखते हैं, ये चलिए। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रीटेड इन लोकेशन ए बी सी, इन जगह पर कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। यहाँ पर सेलेवरी एमाइलेज है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता के रखा है ये सब किस तरीके, इस पर वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है, कोई बात नहीं। बायोलॉजी पर वीडियो मैं किसी और को दिया था काम, लेकिन वो कर नहीं पाए, खैर मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सलाइवा के अंदर होता है सेलेवरी एमाइलेज, क्लियर, ये एंजाइम होता है, सबसे पहला एंजाइम होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सब्जेक्टिव में कि कौन सा ऐसा पहला एंजाइम है जो मिलता है फूड को, सबसे पहले एमाइलेज मिलता है, ठीक है, सेलेवरी एमाइलेज। और एसोफेगस के अंदर कोई एंजाइम नहीं, फिर चलते हैं स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसके अंदर म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक और चीज होता है, पेप्सिन होता है, जो कि फैसिलिटेट होता है बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ द कॉन्सेप्ट, ऐसे थोड़ी ना परसेंटेज आते हैं, मेन होती है पढ़ाई, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड वाले पे देखते हैं, थर्ड वाले पे यहाँ पे देख रहे हो कौन है, यहाँ पर ये जंक्शन है, ये मेन पार्ट है, ठीक है, ये देख रहे हो तुम स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का। अभी तुम्हें यहाँ पे मैं और क्लियरली समझाता हूँ। सबसे पहले तो एमाइलेज कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी सबको काट दो, ये काट दो भाई, ये वाला भी काट दो और ये वाला भी काट दो, केवल एक ही मैच कर रहा है एमाइलेज, तो 20 में पहले टिक मार दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ट्रिप्सिन के साथ लाइपेज भी रिलीज होता है, लाइपेज बेसिकली ट्रिप्सिन वो होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, फिर होता है लाइपेज, लाइपेज बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी बुक को, तब आपको समझ आ जाएगी। और बाकी हमने ऑड वन आउट करके भी आंसर मार्क कर दिया था, दो भी अगर तो आपको पता है इसमें से, फर्स्ट और सेकंड भी पता है, तो आपका काम बन गया। लेट्स गो ऑन द 13th क्वेश्चन, इतना धीरे धीरे अगर मैंने कराया तो पक्का एक जन्म में तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 100 साल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वेस्ट नहीं करना है आपका टाइम, भले आपको ये वीडियो लंबी मिले, लेकिन आपका ये समय सबसे बेस्ट तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए गुजरे, ठीक है। बुक नहीं भी पढ़े हुए हो तो भी समझ में आए कि हाँ ये बात होती है, ठीक है। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोस्ट डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, डेफिनेटली नॉट। ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल, डी इसका करेक्ट आंसर है भाई। गार्ड सेल स्वेल अप और स्वेल जब नहीं होती है, ठीक है, इसके लिए मुझे वर्ड नहीं समझ में आया, मैंने ऐसे बोल दिया। तुम देखते हो गार्ड सेल जो होती हैं वो सूज जाती हैं, ठीक है, स्वेल अप वही होता है वर्ड हिंदी में, ठीक है। ये मत बोलना कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, ना बता रहा हूँ, समझो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है तो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, और जब गार्ड सेल के पानी निकल जाता है तो वो खुल जाता है। तो बेसिकली उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है वाटर उसके अंदर कितना है, उसके गार्ड सेल के अंदर, ठीक है। अरे यार तुम इसको उसकी तरह समझो ना, जैसे ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है, ऑरेंज को अगर आप खोलोगे तो अंदर कुछ स्लाइसेस होती हैं, उनका जूस निकाल लो, उसी तरीके दिखते भी हैं स्टोमेटल पोर्स की गार्ड सेल्स, ध्यान से देखना, ठीक है। तो बेसिकली इसका चौथा आंसर है, ठीक है, आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसकी बात 100% क्लियर होगी। वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल, वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। फिर बात करते हैं 14th क्वेश्चन पे, द फिगर गिवन बिलो इज द सिस्टमैटिक प्लान ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विद लेबल फर्स्ट टू फोर्थ, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल एंड फंक्शन, इनका मैं बेसिकली बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो पूरा वो तुम्हें समझा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें इसे मार्क करने में अलग ही मजा आएगा। देखो सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, जो कि कैसा होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम के अंदर आता है, राइट एट्रियम से ये जाता है किसके थ्रू, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू, इसे हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं, ठीक है, नीचे जाएगा, ट्राइकस्पिड वेल्व खुलेगा, वेल्व खुलेंगे तभी तो खुल जाएगा नीचे, डेफिनेटली यार, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, जैसे हम पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, वो बात की बातें वो हायर क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे। फिर वहां से क्या जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, वहां से ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती है, और लेफ्ट इसको बना लो भाई, लिख लो कहीं पर, समझ नहीं आएगा, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ है, सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से खुला ट्राइकस्पिड वाल्व, अंदर कौन गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं बेसिकली, ये एक मात्र आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है,
सबसे पहला एक्सेप्शन, ये कहां गया? लंग के अंदर गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कन्वर्ट हुआ? ऑक्सीजनेटेड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। अब यहां से क्या हुआ? लेफ्ट एट्रियम के अंदर, सॉरी मैं राइट एट्रियम तो नहीं बोल दिया, लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से खुलेगा बाइकस्पेड वाल्व, जिसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। अंदर आएगा खून, कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। यहां से अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ गया? अब इसको मार्क करने में अलग ही मजा आएगा भाई, अलग ही मजा आएगा। चौथा क्या है? चौथा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है, चौथा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो इसमें से चौथा कौन है भाई? फोर्थ इज वेना केवा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल। एकदम करेक्ट है ये, एकदम करेक्ट है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई। वेना केवा क्या करता है? डीऑक्सीनेट। अब ब्लड का तुम ये ना जल्द भूल जाओ, ब्लड ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड कुछ ना भूलो। अब ये बताओ खून कहाँ जाएगा? खून सारी वेन से इकट्ठा होंगी और वेना केवा बनेगी। जैसे कि अरोटा बेसिकली चेंज होती रहती है, फिर कैपिलरीज बनती है, छोटे 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 यूनिट्स में कैपिलरी बनती है, कैपिलरी से फिर वेन बनती है, वेन से डेफिनेटली फिर वेना केवा बनती है। तो वेना केवा ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन से लेके जाती है राइट आर्टिकल में, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर बात करते हैं पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। नो, नहीं, बॉडी पार्ट्स से क्यों लेके जाएगी पल्मोनरी वेन? पल्मोनरी वेन बल्कि लंग्स से हार्ट के अंदर लाती है, बात ही खत्म। ये भी गलत, ये तो गलत है भाई, गलत है, एकदम गलत है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो इस क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा देगा। पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं, टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। नो, नॉट एट ऑल, इट टेक्स फ्रॉम हार्ट टू लंग। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देख रहे हो, इसका मतलब डायग्राम बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुछ चीजें इंटरप्रेट आप कर सकते हो किससे? सैंपल पेपर के थ्रू। इसीलिए ऑफिशियल सैंपल पेपर का वेट कर रहा था मैं, चाहता तो किसी भी आरे गारे का वो कर देता, ठीक है। मैं इसके फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। बाकी के आगे आपको चार क्वेश्चन चाहिए होंगे तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, मैं केवल स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन कराऊंगा, केवल स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे उसने कहा है कि 20 क्वेश्चन करो, तो मैं स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं तो भाई नॉर्मल एज अ टीचर बिहेव करूंगा, मैं स्टूडेंट की तरह नहीं कि भाई वो वाला छोड़ देते हैं वो वाला करते हैं, नहीं, मुझे आपको वीडियो देनी है, मैं किसी भी तरीके से दूंगा। तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ खास नहीं करना, बस यही करना है कि मुझे इनको, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनको मुझे अरेंज करना है, ठीक है, इन कॉलम्स को अरेंज करना है। सो पहले मैं मैच करा देता हूं फटाफट और आप ध्यान से देख लो। पहले में लिखा हुआ है द लेंथ डिपेंड्स ऑन द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी ईट। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? जो मीट खाते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होता है। जो सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जर होता है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, ह्यूमंस का एवरेज होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन किसके अंदर आ रहा है? चौथे के अंदर आ रहा है, तो चौथे को पहले से मैच करो। आओ अगले देखो, फिर बी है इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, कहां पे होता है? मुंह के अंदर होता है। सबसे पहले 60% स्टार्च आपके मुंह में डाइजेस्ट हो जाता है, तो पहले को आप बी से मैच कर दो, जो कि होगा डेफिनेटली। फिर बात करते हैं इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम, इसको रुक जाते हैं थोड़ी देर, अब इसको बात करते हैं। दिस इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक, यहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। पहली बात तो इसके थ्रू हम कोई मैच करके ऑप्शन देखें, इसके थ्रू कोई मैच करके देखते हैं। पहले का बी किन किन के अंदर है? दो ऑप्शंस के अंदर है, तो ये वाले गलत हो गए और ये वाले गलत हो गए। तुम अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि तुमने जो मार्क किया वो सही है। क्वेश्चन पेपर गलत हो, भाड़ में जाए क्वेश्चन पेपर, हम सही है, हम बेस्ट है, ये मतलब है, समझ रहे हो, आ रहा है तुम्हें, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से अब हम देखते हैं फोर्थ वाले पे कौन मैच कर रहा है। फोर्थ वाले पे ए दोनों ऑप्शंस के अंदर है, तो अब हमें अकल लगानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, कौन इंक्रीज करता है? ये आपका करेक्ट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने आपको मैच कराया, देखो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम कौन करता है? बेसिकली सेकंड वाला करता है, ठीक है, ये करता है, मतलब लिवर की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, लिवर करता है। ऑलराइट, नीचे चलते हैं भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं पहले बता रहा था कि बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। कोई नीट और उसका पेपर नहीं आया आईआईटी का कि इतना परेशान हो रहे, अरे अरे मेरे भैया का पहले ओएमआर से पेपर हुआ था, मेरा होने वाला है, मैं तो भाई बहुत स्ट्रांग बन जाऊंगा। अभी कुछ नहीं है उसके सामने, ये समझ लो उसका 0.1% भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो बहुत आगे है, ठीक है, नीट और वो सब पढ़ के तब पता। 17th क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट टीथ। मैक्सिमाइज करनी होगी इमेज को, क्योंकि आपके दांत छोटे छोटे हैं, उसको बड़ा, उसको जूम करना पड़ेगा। तो एक चीज देखो तुम, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, बेसिकली जितना जितना तुम पास लाते जाते हो मिरर को, जितना जितना तुम ऑब्जेक्ट पास आता जाता है मिरर के, जैसे मान लो तुम्हारा दांत ऑब्जेक्ट है और मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरा मिरर जो है, मैं जिसके थ्रू आपको देख रहा हूँ, वो कैसा चाहिए मुझे? जो आपके दांत, जो मैं जितना पास लेके जाऊँ वो उतना जूम करता जाए, ठीक है। तो मैं आप मिरर के, चलो लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है,
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैंने एक तरफ प्लेस कर दिया, अब उसको नहीं हटाने वाला, अब भाई दांत तो हट नहीं सकता, मुझे मिरर को पास ले जाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट मुझे बड़ा चाहिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा पास लेके जाते हो आप कॉनकेव मिरर को, उतनी मैग्निफाइड इमेज बनाता है वो, ठीक है। लास्ट वाले केस में वर्चुअल एरिड बना देता है, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? कॉनकेव। बाकी कॉन्वेक्स के अंदर डिफरेंट होते हैं केसेस, उसके अंदर केवल दो ही केसेस हैं, कहीं भी प्लेस करोगे तो कैसी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ठीक है। और बाकी अगर आप उस पर ले आओगे क्या इन्फिनिटी से लाओगे, तो इन्फिनिटी से उसमें क्या होता है, बेसिकली पीछे की ओर इमेज प्रोड्यूस होती है फोकस पर। तीन केस होते हैं, पॉइंट साइज लार्ज जिसको हम मैग्निफाइड बोलते हैं, और एक होता है स्मॉल साइज डिमिनिश्ड, और एक होता है इक्वल साइज, इक्वल साइज नहीं बनना। तो वर्चुअल इरेक्ट केस के अंदर कॉन्वेक्स मिरर बनाता है कैसी, लार्ज इमेज बनाता है, ठीक है, बेसिकली स्मॉल इमेज बनाता है और पॉइंट साइज इमेज बनाता है, और कॉनकेव मिरर मैग्निफाइड इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्ट में। तो ये तीन केस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, समझ में आनी चाहिए बात, ऐसे अवम नहीं होना, ठीक है। 18th पे बात करते हैं, द डायग्राम शोन इन दिस इमेज फॉर्मेशन, कौन सा लेंस है, क्या है, बकवास है, सब पूछा जा रहा है, ठीक है। बाया कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, पहले तो मुझे ये बताओ तुम। कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका कॉनवेक्स लेंस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस कौन से होते हैं, आपके कॉनकेव लेंस होते हैं, ठीक है। उनका फोकल साइन कन्वेंशन भी पढ़ लेना, कार्टेशियन प्लेन का, बेसिकली उसमें हम माइनस लेते हैं फोकल लेंथ को, ये सब सारी चीजें पढ़ना, ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा। So, कैसे होता है इमेज फॉर्म, मान लो ये कोई लेंस है, ठीक है, ये लेंस से एक लाइन हम बनाएंगे जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, एक सर्टेन गैप पर हम, एक फिक्स गैप पे हम लेंगे F1 और 2F1, एक तरफ हम लेंगे F2 2F2, मार्क कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, कहीं भी प्लेस कर देंगे। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद दो रेज हम निकालते हैं ताकि हमें अच्छे से इमेज मिल जाए, ठीक है। तो दो रेज में एक रेज तो आपकी निकल जाएंगे किसके थ्रू, आपके फोकल पॉइंट के थ्रू, ठीक है, वो किससे निकलेंगी, 2F से, क्योंकि जब यहाँ पे आपकी लाइट रेस फॉल करेंगी तो वो यहाँ से निकल जाएंगी, और एक हम ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं। ऐसा कोई केस मैच कर रहा है, ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जा रहा है, बट ये कन्वर्जिंग नहीं बन रही भाई, ये कन्वर्जिंग नहीं बन रही है ना, ये गलत है, इसकी बात करते हैं, ये नहीं हो सकता कैसे भाई, ऑप्टिकल सेंटर से पास ही नहीं कर रहा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करना चाहिए, और ये ऐसे नहीं होगा भाई, ये यहीं से कर जाएगा आपका, डायरेक्ट आ जाएगा, ये नहीं है, कैसे भाई, यहां पे आके फिर यहां से आके फिर ऐसे निकलेगा, नहीं, ये करेक्ट आंसर है। पूछो कैसे, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, इससे एक निकला आपका रे, तो वो आपको फोकस से पास किया, और एक रे आपका डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया, जाके जहां पे मैच किया वहां पे इमेज हमारी बन गई। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज, सारे मिरर के क्वेश्चन है इसके अंदर, Which of the following, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो which of the following can make a parallel beam of light, parallel beam of light बनानी है, ठीक है, when a light is from the point of source if an incident on it, when a light from a point source is incident on it, point source से मतलब focus से अगर मैंने light निकाल दी तो किस तरीके parallel beam बन जाएगी। Principle of reversibility of light का यहाँ पे use हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों ही lens कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही lens कर सकते हैं, पॉइंट से हम कर देंगे तो दोनों ही लेंस कर देंगे, हमारे कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों कर सकते हैं, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर दोनों कर सकते हैं। 20 ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली कंसीडर दिस इंसिडेंस, ये सारी इंसिडेंस है, रिफ्रैक्शन है, ग्लास का इतना दिया हुआ है, एयर का इतना दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, बेस्ड ऑन दिस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थ्री मटीरियल्स आर अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। देखो जो जितना डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स, आपको पता होगा ये, और बेसिकली एयर के अंदर ही बेसिकली ये नॉर्मल होता है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बेसिकली एन से बताते हैं, ठीक है, इसको हम एन लिखते हैं और या यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाता है। यू बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है, तो हम ये जल्दी नहीं लेते हैं, ठीक, तो अब बात करते हैं यहाँ पर, तो स्पीड ऑफ लाइट किसमें सबसे ज्यादा होगी, कितनी कम होगी, हमें बतानी है, अरेंज करना है, बेसिकली बहुत आसान है ये, सबसे ज्यादा वाटर के अंदर होगी, नहीं, जब हमारे सामने एयर ऑप्शन दिया हुआ है तो एयर में सबसे ज्यादा स्पीड की लाइट की स्पीड होती है, जो भी मैंने बताया आपको ये वैक्यूम क्या होता है, ठीक है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये एयर और वैक्यूम दोनों का होता है, तो एयर में सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की, तो एयर किसके अंदर है, ये वाला ऑप्शन है, तो ये टिक मार दो, ज्यादा दिमाग में लगाओ इस पर, टिक मार दो, बाकी और किसी में ग्लास बटन ना, ठीक है। क्या मांग रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर, ठीक है, एयर से ठीक है, ये एयर है, ध्यान से देख रहे हो, एयर है ये, मतलब ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ग्लास स्लैब से जो आ रही है, बेसिकली जा नहीं रही है, आ रही है जो लाइन, उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ओ पे कितना एंगल बन रहा है, ओ पे, ओ ध्यान से देखो यहाँ पर है, ठीक है, लाइन के जस्ट नीचे 0 डिग्री बनेगा, ध्यान से देखो 0 डिग्री बनेगा, पूछो क्यों, क्योंकि ओ जो है वो डायरेक्ट देखो नॉर्मल पे आ रहा है, हॉरिजॉन पे आ रहा है,
नॉर्मल पे आता है 0 डिग्री होता है, नॉर्मल वैसे तो होता है लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और उसके बीच में होता है इंसिडेंट रे के बीच में, तो बेसिकली वो 0 हो जाएगा, तो उसका 0 टिक मार दो। आपको समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इसका बेसिकली ये है कि ये वाली लाइन मांगी जा रही है, ये वाली लाइन मांगी जा रही है आपसे, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन, एक मिनट लेट मी इरेज दिस, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन मांगी जा रही है ये आप ध्यान से देखो नॉर्मल से पास होगी ना, ये नॉर्मल से पास होगी तो ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल द इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में 0 डिग्री होता है, वैसे सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, वैसे तो ये 0 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल के ऊपर ही लाइट रे है, ध्यान से देखना इस केस के अंदर, ओके केस के अंदर बात कर रहा हूँ क्योंकि ओ से मांगी जा रही है लाइन। 24th क्वेश्चन है, प्रिज्म से रिलेटेड है, बात करते हैं। अ प्रिज्म ऑफ ए बी सी बेस बी, ठीक है ये कर लेना भाई, कर लेना। व्हाइट लाइट जो होती है बेसिकली वो 7 कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर की बनी होती है, उसी के ऊपर पूरा गेम है, ठीक है, तो ये कर लेना। अब आते हैं बी सेक्शन पे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो 5 मिनट का रेस्ट लेते हुए अब हम आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी के अंदर अब हमारे वापस 24 क्वेश्चन मिले हैं, इसके अंदर मैं केवल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, कोई भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, ठीक है, रैंडम लाइन से कर लूंगा या डिफरेंट डिफरेंट कर लूंगा 20 क्वेश्चन, एंड आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन 4-5 बचे उन्हें खुद से ट्राई करना, अगर ना हो तो डेफिनेटली मैं तो हूं ही, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए ये बात करते हैं 25th क्वेश्चन के ऊपर। 25th क्वेश्चन जो है आपका वंस अगेन केमिस्ट्री है स्कीम, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आपको पैटर्न मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा हाईली इवेल्युएटेड होगा, ठीक है, थोड़ा हाईली मतलब थोड़ा डिफरेंट सेक्शन है ये, बी सेक्शन है यार, ये कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत आसान आसान है, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बड़ी लंबी वीडियो बन रही है लेकिन आपके लिए बहुत छोटा पेपर है ये। 25th क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइमस्टोन बन रहा है मतलब CaCO3 बन रहा है, ठीक है, हीट करेंगे इसको, इसको हीट करने वाले हैं हम, X प्लस CO2 निकलेगा, X प्लस CO2 मतलब CO2 अगर आप निकाल दोगे तो इसमें बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये X जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे कैसे पता चला, अब आपके मन में आएगा कि मुझे कैसे पता ये कि कैल्शियम ऑक्साइड है। देखो लाइमस्टोन होता है CaCO3, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम कहते हैं, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, वैसे हम स्लेट लाइम और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े होंगे बच्चों। अब थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन का एटम और एक बचा कैल्शियम, ये दोनों कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे, कुछ चीजें ऐसे भी आप निकाल सकते हो, तो एक्स की आपको पता चल गई। अभी रुको ध्यान से, अभी और क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो अब इसके अंदर मैंने H2O मिलाया, इसके अंदर H2O मिलाया, इस केस के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर H2O अगर मैंने मिलाया तो ये देखो केवल उसी पे एरो बना हुआ है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के तो वापस आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसको हम स्लेट लाइन बोलते हैं, ठीक है, तो यही था इसके अंदर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन विच वी रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ, ठीक ठीक, किसके अंदर एंडोथर्मिक है, किसके अंदर एक्सोथर्मिक, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो किसी चीज को ब्रेक डाउन करना है, एनर्जी लगेगी, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि मुझे पहले वाले केस के अंदर, पहले स्टेप के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन लगेगी और इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन लगेगी, ये तो आपने पढ़ के ही रखा है, मैंने आपको पढ़ा के रखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो भाई ये वाला तो एक्सोथर्मिक हो गया, किस किस के अंदर एक्सोथर्मिक, ओके, अब ये वाला एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है, ये ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन है मेरे पास, उसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन नापा जा रहा है, ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन किसके अंदर नापा जा रहा है, बेसिकली ये नापा जा रहा है रेन के अंदर, अब यहां से देखो रेन पीएच वैल्यू, अब इसमें से ये पूछा जा रहा है इन विच ईयर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वॉज द हाईएस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, 2002 होगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा था, तुम्हें समझ में आया ना बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है उसकी हाईएस्ट पूछी जा रही है, तो हाइड्रोजन आयन मतलब एसिडिक नेचर, तुम यहां से पढ़ो सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाओगे, ठीक है, HCl को मिलाओ पानी के साथ, क्या बनेगा, Cl- H3O+, दोनों वो होते हैं स्पीशीज, किस तरीके चार्ज स्पीशीज होता है, इसलिए आयन आयन की बात हो रही है। 2002 Mg रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ और हाइड्रोजन गैस इसको ऊपर लेके आता है, हेल्प्स इन फ्लोटिंग, इसको फ्लोट कराने में हेल्प करता है, ठीक है, Mg गैस जो Mg है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और जो इसका हाइड्रोजन है वो इसे ऊपर की ओर लेके आता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बेसिकली हेल्प करता है ऊपर की ओर, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यहाँ से देखो ये सब रिएक्टिव नहीं है, जितने ज्यादा आपका Mg है रिएक्टिव, कॉपर बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, FeRS बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, इतना रिएक्टिविटी सीरीज में इतना ऊपर नहीं है, लेकिन Mg सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जब सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो बेसिकली चीजें ऊपर आ जाती हैं हाइड्रोजन गैस के साथ।
28th क्वेश्चन, द टेबल शोन बिलो गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्सटेंस ए बी सी डी. इसमें कुछ सब्सटेंस के बारे में हमको दिया गया है, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट दिया गया हुआ है हमको और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी हुई है. ठीक है, सॉलिड लिक्विड एक्वस ऑल राइट, ये सारी छोटी छोटी चीजें दी हुई है. अब हमें इनके अंदर ये ढूंढना है कि आयोनिक कंपाउंड कौन सा है, आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव सब्सटेंस, इनमें से आयोनिक कंपाउंड कौन है. आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के लो होते हैं. तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई किसका है, इसका है, इसका है और इसका है. ठीक है, ये वाला सबसे लो है, ये आपका कोवेलेंट होगा. ठीक है, ध्यान से देखना. सॉलिड आयोनिक बॉन्ड बेसिकली सॉलिड होते हैं. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही है, सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती. आयोनिक कंपाउंड एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. आपको अपने पढ़ा होगा डेफिनेटली. ठीक है, आप बात करो NaCl की, बात करो NaCl की, दैट इज नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज आयोनिक बॉन्ड. अब इस आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, बेसिकली सॉलिड में लोग कंडक्टिविटी नहीं करते, तो तीनों केस सही है. अच्छा, लिक्विड एक्वस फॉर्म में अच्छी कंडक्टिविटी दिखाते हैं. तो ये तो सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो इसके अंदर है, सबसे सॉलिड के अंदर पुअर है ये, तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा और बी करेक्ट आंसर होगा. तो सी भी किसके अंदर आ रहा है, इस ऑप्शन के अंदर है, बी हमारा करेक्ट आंसर है, बी हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 29वां क्वेश्चन देखते हैं. विने ऑब्जर्व दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट शर्ट, ठीक है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर आने वाला है. विने ऑब्जर्व दैट अ स्टेन ऑफ अ करी ऑन द व्हाइट शर्ट बिकम्स अ रेडिश ब्राउन व्हेन वी सोप स्क्रब्ड ऑन इट. ठीक है, बट इट टर्न्स येलो अगेन, द शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड माइट द रीजन. ठीक है, सोप इज एसिडिक इन नेचर, ये कैसे हो सकता है भैया, सोप एसिडिक नेचर का हो जाएगा, वो बनता किससे है, NaOH से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पढ़ो बुक को ध्यान से समझ में आएगा. तो बेसिकली सोप कैसे हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस होता है, तो बेस बेसिक नेचर का होगा सोप. तो पहली बात इसके अंदर, अब जो जितने पहले वाले स्टेटमेंट, अब इन इसके अंदर इन ऑप्शंस के अंदर पहले वाले जिसमें पहला ऑप्शन करेक्ट बता रहा है वो काट दो, तो ए कट गया और सी कट गया. अब अच्छा कौन, बी और डी, बी डी के बीच में गेम है. टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर विच इज रेडिश ब्राउन टिंजी, हाँ ठीक है, इन बेस रेडिश ब्राउन, ध्यान से देखो रेडिश ब्राउन, रेडिश टिंजी विद एसिड्स, नो थर्ड, ठीक है थर्ड करेक्ट आंसर है, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड किसके अंदर ऑप्शन है, बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा. 29 का बी आंसर होगा जैसा मैंने कहा. ठीक है, पूरी केस स्टडी आपको समझाई आपको मैंने किस तरीके बात हो रही थी. ठीक है, 30th क्वेश्चन की बात करते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड यू थिंक बल्ब विल ग्लो, इनमें से किसमें बल्ब ग्लो करेगा सारे सेटअप के अंदर, आइए बात करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, 6 volt बैटरी है, बल्ब स्विच है, बीकर है, नेल है, डायल्यूटेड HCl है, ठीक है, रबर कॉप है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 volt की बैटरी अगेन, बल्ब स्विच है, बीकर है, नेल, शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होती, ग्लूकोज के अंदर नहीं होती, ग्लूकोज एल्कोहल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं ट्रेवल करती, एसिड के अंदर करती है भैया, वरना मेरे एसिड के अंदर करती है, याद रखना ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, बुक के अंदर लिखा हुआ है ये बात कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब यहाँ पे एल्कोहल है, एल्कोहल भी काट दो फटाक से. ठीक है, तो भी पहला इसका करेक्ट है. और ये रहा कौन सा, लाइम वाटर, लाइम वाटर में सिट्रिक एसिड होता है, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी. सो फर्स्ट एंड सेकंड इतना हाई नहीं करेगा लेकिन करेगा, HCl जितना नहीं करेगा लेकिन करेगा, क्योंकि इसमें आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर, HCl के अंदर जब वो डालते हैं हम पानी के अंदर तो आयंस और आयंस ही बनते हैं, लेकिन इसके अंदर केवल आयन, इसके अंदर आयंस और मॉलिक्यूल दोनों बनते हैं. तो फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, सो इसके अंदर देखते हैं 31st क्वेश्चन के अंदर, फ्रेश मिल्क बेकिंग सोडा इज एडेड. ठीक है, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6, ये कैसे हो सकता है भाई, गलत है ये, क्या पढ़ा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क बिलो 6 कैसे हो सकता है, बेकिंग सोडा इंक्रीज करेगा पीएच ना, और बाकी ये फैक्ट सही था, ये फैक्ट सही है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, assertion reason पे हम सी मार्क कर दें, यहाँ पे मैं सी ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ, सी, इसे अच्छे से लिखा नहीं जाता यार भाई, 6 सी इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं, 32nd क्वेश्चन देखते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन ऑल दोस थिंग्स. वेजिटेबल मैटर बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसका ब्रेकडाउन. ठीक है, बाकी बात करूं मैं रीजन, अगर इसकी देखो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट होता है, टूटता है दो प्रोडक्ट के अंदर, तो ये सही है, तो इसका डी आंसर होगा, तो यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ. ठीक है, ये गलत है, ये एक्सोथर्मिक होता है. ठीक है, 33rd क्वेश्चन के अंदर आते हैं, रेजिन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यूज. ठीक है, ये रेजिन गम्स क्या होता है, बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के. ठीक है, ये होते हैं ऑक्सीजन होते हैं, ये बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, फैसिलिटेट कैसे करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ना, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, इसका आंसर हमारा सी होगा भाई. सी क्यों होगा, क्योंकि सी में रीजन गलत. ठीक है, देखो भाई बहनों दोनों देख रहे हो, ठीक है, भाइयों और बहनों दोनों, सो भाई भाई में बोल देता हूँ, बहनों भी. ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, रेजिन गम्स बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लांट के. सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैन नॉट बी द रीजन फॉर वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसमिशन, दैट इज जाइलम, दैट इज डिफरेंट थिंग. ओल्ड के अंदर वैसे भी नहीं ट्रेवल करता, आपको पता है बात. एंड इसमें काफी देर तक होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है कई प्लांट के अंदर, तो डिफ्यूजन ट्रांसपीरेशन काफी सारे पैटर्न है इनके अंदर काम करने के. 34 क्वेश्चन की बात करते हैं. अच्छा, इसमें मैंने बात कर ली इसकी, ठीक है, इसका सी आंसर होगा. ऑलराइट, 34 क्वेश्चन की बात करते हैं. एजर्शन, स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई हमें नीला दिखता है, ब्लू दिखता है एट डे टाइम. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम, ठीक है, ब्लू होती है डे टाइम के अंदर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, 7 कलर में होती है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है. बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन रीजन का, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. बी क्या है, बी होता है एजर्शन रीजन, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. 35th क्वेश्चन पे आते हैं. इस 35 क्वेश्चन को देखो, खुद से अगर सॉल्व करो तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, हो जाता है, बट जब एक्सप्लेन करना होता है तो आपकी काफी एनर्जी लगती है, ठीक है. एंड आइए चलिए स्टार्ट करते हैं 35th क्वेश्चन. एंड मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा 40 तक, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर बेसिकली कहां से स्टार्ट किया था, मैंने 25 से स्टार्ट किया था आई थिंक सो. एंड बाकी अगर कोई मैं छोड़ देता हूं तो डोंट यू वरी अबाउट इट, आप पहले उसे ट्राई करो, नहीं होता है तो डेफिनेटली मैं तो हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं एक्टिव हूँ, आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट पोस्ट करो, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 35th क्वेश्चन, द टेबल गिवन बिलो शोज अ रिएक्शन, कुछ रिएक्शन शो करती है, ठीक है, बेस और एसिड का, इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस. इसमें तो क्लियर है भाई, हाइड्रोजन और बेस, भाइयों बहनों दोनों, एसिड बेस रिएक्शन अगर साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट निकलेगा, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एसिड, ठीक है. सो इन दिस टेबल शोज रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट विद एसिड एंड बेसिस, ठीक है, एसिड. अच्छा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट पैटर्न चल रहा है, एलिमेंट का रिएक्शन होगा एसिड और बेस के साथ, तब भी हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस और वाटर भी निकलता है कई केसेस के अंदर. आइए चलिए बात करते हैं. एम्फोट्रिक ऑक्साइड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड मतलब जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करें, ठीक है, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करें, तो ये होगा हमारा बी और डी. बी डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान से आप देखो, बी डी, दो ऑप्शन देके रखा है बी डी का, गलत है, मिसप्रिंट है, ठीक है, बी डी, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कैसे मैंने बताया, एम्फोट्रिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनके जो दोनों तरीके से रिएक्ट कर सके, ठीक है, कुछ होती हैं ऐसे जैसे लेड होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, वो सब क्या होता है, बेसिकली दोनों से रिएक्ट करते हैं एसिड बेस, ठीक है, एम्फोट्रिक होते हैं. और भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, वो मैं एसिड बेस के अंदर एक्सप्लेन करूंगा पूरा चैप्टर, क्योंकि काफी डीप एक्सप्लेनेशन होगी इसकी, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 36 क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोस फ्रॉम हार्ट, ओनली वंस, ओनली वंस मतलब कि सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन नहीं होता. आइए बात करते हैं. रैबिट, पैरेट, टर्टल, फ्रॉग, क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, आपको पता होगा, ओनली रेप्टाइल है 4 चैम्बर्ड हार्ट. लुक, दिस इज बेस्ड ऑन अ जनरल नॉलेज, दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, ठीक है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोस फ्रॉम हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग अ वन साइकिल पैसेज थ्रू बॉडी. अब इसमें देखो, क्रोकोडाइल इस ऑप्शन में ये इसको हरा दे रहा है भाई. क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन से तो भाई काम नहीं चलने वाला, जिसके अंदर एक हो, ठीक है. तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फिशेस के अंदर ऐसा केस होता है, तो फिशेस अब ऐसा आए कि जिसके अंदर तीनों फिश हो, तो देखो इसमें पेंगुइन आ रहा है, पेंगुइन तो नहीं, पेंगुइन तो भाई ऐसा नहीं है फिश, तो शार्क की बात करेंगे. शार्क में दो है ऑप्शन, देखो अब तुम्हें ना समझ में आए तो भी देखो ध्यान से, यहाँ पे दो फिशेस हैं, कुछ नाम तुम्हें नहीं समझ में आएंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म से, तो तुमको मतलब नहीं है, तुम दो देखो फिश आए, सिंगल सर्कुलेशन उन्हीं के अंदर होता है, तो मार्क कर दो शार्क और डॉग फिश. 37 क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड अ वॉल ऑफ एल्वियोलाई एंड ग्लोमेरुलस एंड ऑफ नेफ्रॉन. क्या डिफरेंट, क्या सिमिलैरिटीज हैं इनके अंदर, क्या कॉमन. सो वेन्स आर पुअरली सप्लाइड ऑफ ब्लड, नो, वेन्स हैव टू ट्रांसमिट द ब्लड, ठीक है, तो वो नहीं केस हो सकता. थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड ऑफ ब्लड, रिचली सप्लाइड ऑफ ब्लड, ये करेक्ट है. 38 क्वेश्चन पे आते हैं. प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन, बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस है इनका एक्सक्रीशन का एज कम्पेयर टू एनिमल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस नॉट अलाउड इन प्लांट फॉर एक्सक्रीशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सक्रीशन प्लांट नहीं करता, ठीक है. दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नॉट पूछा गया है, ध्यान से देखना, नॉट. सेलेक्टिव फिल्टर ऑफ टॉक्सिक थ्रू लीव्स, सेलेक्टिव फिल्टर नहीं होता, लेकिन रुको एक मिनट. वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन रेजिन एंड गम्स एंड ओल्ड ज़ाइलम, एकदम करेक्ट आंसर है. सी एकदम करेक्ट है, मतलब आंसर करेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन करेक्ट है भाई, एक मिनट. हमने पूछा गया है नॉट एक्सक्रीशन वाला, ठीक है. एक्सक्रीट ऑफ वेट्स वेस्ट सब्सटेंस इन सॉइल अराउंड देम, बी इसका करेक्ट आंसर है. मतलब बी क्या है, नॉट एक ऐसा एक्सक्रीशन का प्रोसेस इनका नहीं है, ये लीव सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है, पूरा उठा के डाल देती है लीव को, लीव क्या करती है, लीव टूट जाती है प्लांट से, तो वो बेसिकली उस अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रखती है, लेकिन वो फिल्टर्ड नहीं होते, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है. जैसे हमारी किडनी के अंदर क्या है, 180 लीटर का फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन 1 लीटर का यूरिन होता है,
बाकी सब रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन रीअब्सॉर्प्शन इनके अंदर कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन है मेरे सामने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट्स टेकन इनसाइड। देखो ऐसा क्या सैप्रोफाइट्स के अंदर होता है, वो एंजाइम्स बाहर रिलीज करते हैं, वो उसे ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको धीरे धीरे सक कर लेते हैं, इन अ सेंस वी कैन से बाहर वो उसे ले लेते हैं। ऐसा कौन होता है? फंगस होते हैं, फंगस ऐसे होते हैं, फंगस का ऐसा ही नेचर होता है। मशरूम भी किस पे ग्रो करता है? ड्राई वुड्स, वेट वुड्स के ऊपर, जिसके ऊपर वो बेसिकली क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज कर देते हैं एंड फिर उसे सक करते हैं, मतलब धीरे धीरे उसे खींच लेते हैं अपने अंदर। ऐसा नेचर होता है सैप्रोफाइट्स का, ठीक है। सैप्रोफाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, बाहर की ओर एंजाइम रिलीज करते हैं। जैसे हम खा लेते हैं फिर उसका ऊपर उसके ऊपर एंजाइम रिलीज करते हैं, नहीं, वो बाहर ही रिलीज करके उसे तोड़कर तब अंदर लेते हैं। मतलब उन्हें सिंपलर प्रोडक्ट्स की आदत है, हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने की हमारी आदत है, ठीक है, जो हम अभी कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स को छोटा छोटा और सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 42nd क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 42 क्वेश्चन है हमारे सामने। इन द पर्सन टेब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन? द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ यूरिन विल बी अनएफेक्टेड, इट्स इम्पॉसिबल। बहुत इफेक्ट आ जाएगा। देखो जो उसकी ट्यूब होती है, जो तुम ट्यूब देखते हो, उसका एक काम है, तुम देखते हो कि ट्यूब के ऊपर एक बहुत ही, अब ये देखो मैं 11th का टॉपिक तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझो इसको। देखो नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस है, बात खत्म। यहाँ पे एक तुम नेटवर्क देखते हो, यहाँ पे से इसको हम पीसीटी डीसीटी बोलते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग रैंडो कलेक्टिंग डक्ट। सुनो, इसके आगे पीछे ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स का एक जमावड़ा रहता है। ये क्या करता है? इसके नीचे वाले पार्ट को हम डिफरेंट, इसका नाम है वैसा रेक्टा नाम है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करती है, ये अब्सॉर्प्शन का काम करती है। ये क्या करेगा, ये पीसीटी डीसीटी ये चीजों को लेगा, इसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजों की उसको निकालेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर फेंक देगा। समझ रहे हो मामला? मतलब रीअब्सॉर्प्शन किससे होता है? आपके इन ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल पार्ट से होता है, ठीक है, ये जो ट्यूब वाले पार्ट होते हैं। तो अगर वो नहीं होगा, देखो मेरी आवाज बैठ गई, ट्यूब्यूल वाले पार्ट से होगा तो इसका मतलब अनइफेक्टेड तो नहीं होने वाला, इफेक्ट तो होगा। अब ध्यान से देखो, यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब बनता है, ऐसा नहीं है केस। यूरिन इज मोर कंसंट्रेटेड, नॉट एट ऑल। भाई अब तो हो ही नहीं रहा रीअब्सॉर्प्शन, तो कंसंट्रेटेड कैसे होगी? अब तो 180 लीटर भी निकलने की क्षमता होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ उनकी जो हीमोडायलिसिस होता है, डायलिसिस, तो डायलिसिस में क्या होता है बेसिकली, डायलिसिस के अंदर यू फिल्ट्रेट नहीं होता 180 लीटर, मतलब फिल्टर नहीं कर पाता अच्छे से, ठीक है, वो ग्लूकोज और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज होती है यूरिन के अंदर। यूरिन इज मोर डायल्यूटेड, डी इसका करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यूरिन इज मोर डायल्यूटेड। आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन के ऊपर। If a real image of the candle flame is formed, ठीक है, size of the flame is this and distance of the flame is this, this distance of the candle lens, ये आप कर सकते हो, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। basically इसके ऊपर formula वॉर्मूला लगा के आपको करना है, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के भी करना है, आराम से हो जाएगा। जो मैं ध्यान से देख सकता हूँ कि जो एकदम ही ऑब्जेक्टिव है उन्हें ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट के थ्रू। बाकी वैसे भी मैंने आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट इट, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। 25 से स्टार्ट किया, 45 पे हूँ, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑलराइट, मीडियम वन, अब बाकी जो क्वेश्चन थे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ड्रॉप करिए कि भैया वाला भी एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, सारे क्वेश्चन को उठा के बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हमारे लिए इसको खत्म करना इंपॉर्टेंट है, और 20-20 क्वेश्चन भी करना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दिया हूँ कि किस तरीके करना है, क्या करना है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, 20 कोई भी छोड़ सकते, मतलब 20 में से जो है 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 24 में से कोई भी छोड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बढ़िया हो गया है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बढ़िया है। मीडियम वन देख रहे हो, लाइट इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है। मीडियम टू में क्या हुई है, बेंड हुई है थोड़ी सी, इसका मतलब क्या हुआ है, मीडियम टू डेंसर है। अब मीडियम टू से वापस देख रहे हो थर्ड वाले पे, थर्ड वाला जो रिफ्रैक्टेड रे है वो, और मतलब अवे द नॉर्मल गया, इसका मतलब वो रेयरर मीडियम है, थर्ड वाला रेयरर मीडियम है, सेकंड डेंसर है, पहला रेयरर है, थर्ड रेयरर है, बाकी फोर्थ रेयरर है, फोर्थ भी रेयरर है, बराबर गया है, ठीक। तो कौन कौन, हाँ ये बराबर है, सही लिखा भी हुआ है ये बात, बट सेकेंड एंड थर्ड इज मोर, ठीक। मीडियम वन इज डेंसर देन मीडियम थ्री, बट डेंसिटी इज इक्वल टू द मीडियम। लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके अंदर, ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब इनके इसके थीटा में और इसके थीटा में उसके थीटा में डिफरेंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। हाँ मीडियम इक्वल हो सकते हैं, डेफिनेटली ये साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन पे है। फिर मीडियम वन टू थ्री आर एसेंशियल एंड सेम मीडियम, वन एंड थ्री आर एसेंशियली द सेम मीडियम, वन एंड थ्री सेम मीडियम है डेफिनेटली, क्योंकि क्या हुआ है, बेंडिंग अवे द नॉर्मल, ठीक है, सेम मीडियम, बट मीडियम टू इज डेंसर, मीडियम टू इज डेंसर देन मीडियम, सही है, डी सही है इसका करेक्ट आंसर, डी इज। 20 क्वेश्चन हो गए आपके,
20 क्वेश्चन हो गए आपके, अगर अभी भी नहीं हुए हैं तो चलिए दो तीन और कर देते हैं आपके लिए, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे सेक्शन बी, फिर हम जाएंगे सेक्शन सी पे 10 क्वेश्चन करा के उसके बाद ये वीडियो एंड होगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिकली ये क्या है, फॉर्मुला बेस्ड है, ये कर लेना ठीक है। फाइंड हाइट मांग रही है, इमेज का हाइट मांग रहा है, तो क्या करोगे क्या करोगे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेंस है, लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u, ये करके आप जो भी वी यू निकालना है निकाल लोगे। उसके बाद मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। ये करके आप क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे। यहाँ पे हाइट मांगी जा रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट तो दी होगी, क्या दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। अब आपको इमेज निकालना है, आप क्या करेंगे, आप वी अपॉन यू करेंगे पहले, तो वी निकाल लो, जो भी निकालने कह रहा है वो निकाल लो, फिर वी अपॉन यू करो, मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज निकाल लो, बहुत आसान है। फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी आराम से हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, और फाइनली इस इतनी लंबी वीडियो के फाइनल पड़ाव पे आए हैं हम। अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी को, जिसके अंदर केवल 10 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं 12 क्वेश्चन में से, तो कोई भी 10 क्वेश्चन अभी मैं उठा के फटाफट सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए, या 12 भी क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं सॉल्व कराऊंगा उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए, और तुम भी पहली बार तो पॉज करके ट्राई किया करो, अगर तुमने सिलेबस पढ़ा हुआ है तब वीडियो देख रहे हो तो मजा ही अलग होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, समझो टॉपिक को और अपने नोट्स में उतार लो ठीक है, अच्छा से देखोगे आप। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन ही की हैं, और मैंने कोई ऑप्शंस इवन नहीं है आंसर तो भी एक्सप्लेन किया है कि क्यों नहीं है ठीक है। सो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं दे सकता ठीक है। आपको लोग बता सकते हैं अरे ये आंसर है, लो टिक करो, जाओ पढ़ो ना, समझो क्यों ठीक है, क्यों समझना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं, आइए द सॉल्ट स्टोरी। अच्छा केस स्टडी है क्या, केस स्टडी है, बहुत आसान है ठीक है। द सॉल्ट पैंस इन मराकनम, ठीक है मराकनम, पोर्ट इन टाउन अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज अ लेबोरियस प्रोसेस, मतलब काफी मेहनती प्रोसेस है ठीक है, सॉल्ट को वाटर से अलग करने का। इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इन वेरियस सोडियम कंपाउंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, इसमें तो कुछ चैप्टर्स तो है ही नहीं ठीक है, जैसे जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट थे अभी मैं बात करूंगा सबके बारे में वीडियो के एंड पर। कंपाउंड वन सच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल राइट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन है, कौन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा नहीं हो सकता क्योंकि वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, नहीं हो सकता। ब्लीचिंग पाउडर नहीं हो सकता, ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है ठीक है, बेकिंग लिखा भी हुआ है मैं ध्यान से पढ़ा नहीं, पहले ही बता दिया, बेकिंग पाउडर एंड एंट एसिड ठीक है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द टेबल इज शोन बिलो। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अब इसके अंदर हमें यह हमें पूरा दिया हुआ है गाथा ठीक है, अब इस गाथा को पढ़ते हुए हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Which compound in the table reacts with acid to release carbon dioxide? इनमें से कौन सा ऐसा है जो react करेगा किसके साथ, acid के साथ, और carbon dioxide देगा। इनका reaction कराओ और answer टिक कर दो, reaction कराओ और टिक कर दो answer। अब मेरे को एक बार बताऊँ, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ clearly। जब acid के साथ react करेगा आपका calcium carbonate, तो वो carbon dioxide release करेगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैंने पहले कहा है marks लेने आए हो तुम यहाँ पर, तुम पढ़े क्या हो, नॉलेज क्या है। देखो मैं अगर ऐसे पढ़ता ठीक है, मतलब काम चलाऊं टाइप का, तो क्या मैं आज वीडियो बना पाता, नहीं बना पाता। मैं पढ़ा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो ऐसे पढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैं ही सब पढ़ा हूं, आप कुछ नहीं पढ़े हो, आप बहुत पढ़े हो, आप मेहनत की हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट यहां पर आपका एक गोल है मार्क्स स्कोर करना, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मांग रहा है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मिल सकता है, इसमें सल्फेट मिलेगा, इसमें क्लोरीन मिलेगा, इसमें सल्फेट इसमें मिलेगा ठीक है, तो हमें क्या मार्क कर देना है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यही तो ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि देखो नहीं सुन में आ रहा, ध्यान से देखो लाइम वाटर, सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी लाइम वाटर क्योंकि इट इज लैक सिट्रिक एसिड, स्लेग लाइम इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज नॉट गोइंग टू बी सोडियम क्लोराइड। सोडा वाटर इज डिफरेंट थिंग, तो कौन होगा, ब्राइन बेसिकली क्या होता है, एक्वस फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है, मुझे पता था लेकिन मैंने आप सोचा कि आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाते हैं। तो कई बार अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ, तो ऑप्शन को डेफिनेटली ऑड ऑप्शन देता है सीबीएसई, यही इस पेपर को आसान बना रहा है
इस पेपर को कुछ आसान नहीं बना सकता था, बट इस पेपर को आसान क्या बना रहा है, वो आसान ये बना रहा है कि इसमें ऑप्शंस जो दिए गए वो ऑड थे, ठीक है। वो मुझे समझ में आ रहे थे कि भाई ये नहीं हो सकते क्योंकि ऑड है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये दिया है सीबीएसई ने, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब तक मैंने दो क्वेश्चन कराए, 52nd क्वेश्चन पे आते हैं। वॉट इज द पीएच ऑफ एसिड विच इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ, तो बेसिकली हम नॉर्मली लेते कौन सा है, ठीक है, 6 to 8 तो होगा नहीं बिटवीन, हम लेंगे 1 to 3 लेंगे ए इसका आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 से 3 के बीच में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो, H2SO4 लेते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेते हो। अब ये केस स्टडी एक और है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी टू प्रूव द, इसमें तो यार बहुत सस्ते सस्ते चैप्टर, मतलब बहुत हल्के हल्के चैप्टर है इसके अंदर, तो फालतू में इतना देर से इतना हाइप बनाया, उतना डरे हुए हो, डरने की कोई बात नहीं है, इतने आसान आसान चैप्टर्स हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट है, जहां तक अब तक मैंने देखा पेपर को उसके हिसाब से केमिकल रिएक्शन एक इक्वेशन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, थर्ड चैप्टर का मेटल नॉन मेटल भी है थोड़ा सा, बाकी फोर्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर का नामो निशान नहीं है। और फिर बात करूँ वो भी रिएक्टिविटी के बेस पे था, मेटल नॉन मेटल वाले में, बाकी इसकी बात करूँ लाइव प्रोसेसेस के अंदर और कुछ नहीं है। बायोलॉजी के अंदर और फिजिक्स के अंदर तो बस कॉनकेव लेंस प्रिज्म, बस छोटी छोटी चीजें, कोई डरने की चीज नहीं है। अब हम पढ़ेंगे नहीं पैराग्राफ, काफी टाइम वेस्ट हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53rd क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज टू प्रूव द एसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की कौन सी ऐसी चीज के ऊपर ये सारा गेम बेस्ड है, अब हमें पढ़ना पड़ेगा इसलिए पढ़ लिया करो पहले, ठीक है। इन दिस फिगर शोन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 72 आवर्स। इस सेटअप के अंदर क्या देखने की कोशिश हो रही है, देखो प्लांट्स के लिए क्या एसेंशियल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन तो उनका बाय प्रोडक्ट है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वही तो बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, द फंक्शन KOH किसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इसी को एब्जॉर्ब करेगा, इसी को ऑब्जर्व करके कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बना देगा बस, ठीक है। तो वही हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को प्लेस कर दें किसी ग्लास प्लेट के अंदर तो भी एयर टाइट बन जाएगा, और सील कर दें अगर बॉटम को वैक्सीन के साथ तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। एयर टाइट कर देने से देखो सक्शन पंप और वैक्यूम क्रिएट कर देने से प्रॉब्लम हो जाएगी, देखो एयर टाइट बनाना और डिफरेंट होता है चीज। जैसे मान लो मुझे बिस्किट्स को रखना है एयर टाइट कंटेनर के अंदर, तो मैं क्या कंटेनर से सारी हवा निकाल लेता हूँ, मैं कंटेनर को सील कर देता हूँ ताकि कोई डिफरेंट हवा इसके अंदर ना घुसे, ठीक है, मतलब डिफरेंट उससे मतलब कह सकते हो बाहर की हवा ना जाए। इसलिए नूर इज अ यंग स्टूडेंट, शी हैज वर्क्ड ऑन अ साइंस प्रोजेक्ट, और ठीक है वही वही सारे लेंस लेंस के क्वेश्चन। आइए चलिए बात करते हैं। ऑल राइट, ये आया है रिजल्ट, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। वट इज द काइंड ऑफ लेंस, लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन आए थे, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, सैंपल पेपर लास्ट टाइम का इस टाइम का सेम है, कोई चेंज नहीं है, सेम सेम प्रोसेस, सेम सेम क्वेश्चन। आइए चलिए बात करते हैं। सो वट शुड बी द एक्स दैट प्लेस्ड इन साइड द बॉक्स, ठीक है। तो बेसिकली तुम देख रहे हो पैरेलल शिफ्टिंग हुई है, पैरेलल शिफ्टिंग कैसे हुई है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, शिफ्ट हो गए, देखो दोनों पैरेलल जा रहे थे ऐसे शिफ्ट हो गए, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग है, इसको हम बेसिकली पैरेलल शिफ्टिंग कह सकते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस, नो, पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक्स, ग्लास ब्लॉक्स को अगर हम पैरेलल साइडेड लगा देंगे तो हो जाएगा काम, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब प्लेन मिरर से काम नहीं बनेगा क्योंकि दोनों सेम बनाता है, ठीक है, एंगल आई एंगल बराबर और डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसके अंदर, ठीक है, तो वो ऐसे आके ऐसे चला जाएगा बराबर एंगल के साथ, ये पैरेलल शिफ्टिंग की बात है, बात ही अलग है। ट्रायंगुलर प्रिज्म से क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, वो देखो प्रिज्म का क्यों लेकर काम है, बेंडिंग ऑफ लाइट, अपने बेस की तरफ झुकाना, बात खत्म, ठीक है, लाइट को बेस की तरफ झुका देता है। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं, शी मेजर्ड एन एंगल, इसमें एंगल उसने मेजर किया और उस एंगल को मेजर करने पे कुछ ऐसा, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, मार्क कर लो साइन आई बाई साइन आर, फॉर्मूला आपको पता ही है, इसका कांस्टेंट है ये, स्नेल्स का स्नेल लॉ आपने पढ़ा होगा, साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट रहते हैं जब तक कि मीडियम ना चेंज हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 60th क्वेश्चन के, लास्ट हमारे क्वेश्चन जो है, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इन साइड द बॉक्स वॉज मेड ऑफ अ मटीरियल विद अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 देन द लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन लेस, ठीक है। देखो अगर हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हायर कर दें, ठीक है, द बॉक्स इज मटीरियल रिफ्रेक्टिव इज लेस देन 1.5 तब क्या होगा, देखो लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन लेस, देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना कम रखोगे उतनी कम बेंडिंग होगी, उतनी कम शिफ्टिंग होगी, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तुरंत आसान आंसर। बाकी सब देख लो, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे वुड हैव बीन मोर, नो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम तो वो मोर कैसे हो सकता है, नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ ले। यहाँ तक था आपका सैंपल पेपर, ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है, इसमें 60 क्वेश्चन थे, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया अच्छे से। इसके अंदर एक सेक्शन के अंदर आपको दो सेक्शन के अंदर ऐसा है कि 24 क्वेश्चन है, उसमें से केवल 20 क्वेश्चन करने हैं, मैंने कराए, उसमें कुछ में 24 करा दिए पहले वाले सेक्शन के अंदर, और हमने 10th वाले क्वेश्चन के अंदर भी 7-8 क्वेश्चन कर दिए हैं,
इसी के साथ ही सैंपल पेपर के इस पार्ट में खत्म हो गया है, ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया, ये वीडियो खत्म हो गई है यहाँ पर। अब हमें सोशल साइंस का, हिंदी का डेफिनेटली मुझे किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश आपका कवर अप करा ही देंगे, बहुत आसान होगा वो तो, मजेदार होगा, बल्कि सोशल साइंस तो हमारा फेवरेट है ही। इट्स 1:30, डेढ़ बज गया, भूत आने वाले हैं, ठीक है। सो ऐसे टाइम पे केवल दो ही लोग रुकते हैं, या तो पढ़ाने वाले यूट्यूब पर, और या तो ये भूत ही एक्सपेरिमेंट करने वाले, ठीक है, केवल दो लोग रुकते हैं। एंड काफी रात हो रही है एक्चुअली, इसका एक रीजन है इतनी रात को शूट करने का, दो रीजंस हैं, मैं रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी जल्दी जनरली इतना टाइम को कभी शूट नहीं करता, कई सारे रीजंस हैं। एक डिस्टर्बेंस जीरो है एंड एक्चुअली मैं दिन में भी नहीं सोता, तो अभी मुझे काफ़ी मेरी नींद बर्बाद होगी, बट मैं आपको प्रॉमिस कर चुका था एंड मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यूट्यूब पर जो ट्रस्ट हमने क्रिएट किया है, उस ट्रस्ट को मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एंड उस ट्रस्ट को मेंटेन रखना ही हमारा एक बहुत बड़ा गोल है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कल बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम थे, इसलिए मैं सोचा कि कल मैं शूट नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट भी कर दिया है कि मैं कल ही वीडियो डाल दूंगा, सो ऑफकोर्स मुझे अभी शूट करना पड़ेगा इसको। बी अ व्यूअर ऑफ अ वर्दी कंटेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपकी पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूट्यूब पे आते हो, बहुत स्टूडेंट मुझसे ऐसा कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन, इवन मैंने खुद देखा है अपने सामने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को, यूट्यूब पर आते हैं तो उन्हें डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो को डाउनलोड करने का मैं हमेशा ऑप्शन ऑन रखता हूँ, ठीक है। एंड उसमें काफ़ी मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें, ठीक है, उसमें कोई व्यूज ऐड नहीं होते, बट डाउनलोड आप कर सकते हो उसको, आप देख सकते हो डाउनलोड करके भी, एंड पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बिल्कुल डिस्टर्बेंस तो कुछ आने मत दो सामने, बहुत चुनौतियाँ बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, और आपके हाथ में है आप किस तरीके चीज़ों को डील करते हो। बाकी क्वेश्चंस सारे सॉल्व करा दिए हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी कोई डाउट निकल के आता है दिमाग में तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई क्वेश्चन अगर मैंने नहीं कराया, बहुत सारे ऐसे हैं 5-6 क्वेश्चन होंगे नहीं कराया, तो आप खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर बोलना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना लूंगा। बाकी जब मैं आपको इसके डिटेल चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो आपको डिफरेंट मजा आएगा, ठीक है। तो बस पढ़ाई करते रहिए एंड बस अच्छे से क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर लगाते जाइए, बस यही मैंने करा दिया, तो ये नहीं कि आपको आ गया ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैंने करा दिया है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरीके सॉल्व करना है, तो आप भले इसे करो ना करो लेकिन दूसरा वाला जरूर कर लेना, ठीक है, कोई भी डिफरेंट पेपर मंगा के, इसी पे बेस्ड सारे होते हैं, इसी पे बेस्ड। सैंपल पेपर खरीद लो, पढ़ाई कर लो, सारे चैप्टर्स खत्म कर लो, एंड इस चैप्टर्स पे कुछ चैप्टर्स हमारे नहीं कवर्ड हैं, उन पर हमें वीडियोज आ जाएगी, बाकी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए एंड कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस सही है, फिर मैथ्स की भी बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है, इंग्लिश की भी जल्दी आ जाएगी, सोशल साइंस की भी जल्दी आ जाएगी, तो बस पढ़ाई करते रहिए एंड डेफिनेटली माई ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू।